आज हम व्यापार की शर्तों के अंतर्गत व्यापार की शर्तों के विभिन्न रूपों के बारे में बात करेंगे। अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने व्यापार की शर्तों की अलग-अलग रूप से व्याख्या की है और व्यापार की शर्तों के विभिन्न रूप इस प्रकार है। पहला, शुद्ध अदल बदल वस्तु विनिमय वाली व्यापार की शर्त, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, किन्हीं दो निर्धारित समयों में आयात कीमतों से निर्यात कीमतों की तुलना के अनुपात को शुद्ध अदल बदल वाली व्यापार की शर्तें अथवा वस्तुगत व्यापार शर्तें कहते हैं। संक्षेप में, शुद्ध व्यापार शर्तों से आशय आयात कीमतों और निर्यात कीमतों के अनुपात से है। दूसरी है, सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों की धारणा की कमियों को दूर करने के लिए प्रोफेसर टॉजिंग ने सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों की धारणा विकसित की है। प्रोफेसर टाजिंग के अनुसार, एक देश की सकल वस्तु विनिमय शर्तें उस देश के कुल आयात व कुल निर्यात की भौतिक मात्राओं के अनुपात से है। तीसरा, एकाकी साधनगत व्यापार की शर्तें, सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। जैकब वाइनर के अनुसार, यदि निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन से संबंध औसत तकनीकी गुणांकों के रूप में उत्पादन लागत का एक संकेतक इंडेक्स बनाना संभव हो तथा यदि इन गुणांकों से वस्तु रूपी व्यापार संकेतक का गुणा किया जाए तो इससे प्राप्त निर्देशांक केवल विशुद्ध वस्तु विनिमय पर आधारित व्यापार की शर्तें या वस्तु रूपी व्यापार संकेतक की अपेक्षा व्यापार से प्राप्त लाभ की प्रवृत्ति का श्रेष्ठतर सूचक होगा। इसे ही एकाकी साधन गत व्यापार की शर्तें कहते हैं। अगला बिंदु है इसमें दोहरी साधनगत व्यापार की शर्तें, डबल फैक्टरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। प्रोफेसर वाइनर के अनुसार, दोहरी साधनगत व्यापार की शर्तों से अभिप्राय विदेशी राष्ट्रों की, जिसके उत्पाद हमारे स्वदेश की उत्पादक सेवाओं की एक इकाई के उत्पाद से विनिमय होते हैं, उत्पाद सेवाओं की इकाइयों की संख्या से है। दोहरी साधनगत व्यापार की शर्तें को हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि निर्यात व आयात दोनों के ही तकनीकी गुणांकों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार व्यापार की शर्तों के विविध रूपों के अंतर्गत हमने शुद्ध अदल बदल वस्तु विनिमय वाली व्यापार की शर्तें, सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें, एकाकी साधनगत व्यापार की शर्तें और दोहरी साधनगत व्यापार की शर्तों का अध्ययन किया। और इसके अंतर्गत जो अलग अलग अर्थशास्त्री है उन्होंने अपने अपने स्वयं के दृष्टिकोण से इनकी व्याख्या की है। इनमें प्रोफेसर टॉजिंग, प्रोफेसर जेकब वाइनर और आदि ने व्यापार की शर्तों के विविध रूपों की व्याख्या की। इनके अलावा व्यापार की
शर्तों के जो अन्य रूप है उनके बारे में हम इसके बाद चर्चा करेंगे।